हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल वुमेन्स वर्ल्ड. सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे सुपर्ब सनस्क्रीन के बारे में जो कि है बाय मेडर्मा. जी हाँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि आई एम श्योर कि आप होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. तो मैं बात करने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में मेडर्मा सनस्क्रीन के बारे में. और ये इस तरह की ट्यूब में आता है, मैंने इसको हाल फिलहाल ही खरीदा है. दिस इज़ मेडर्मा प्लस SPF 30 स्कार क्रीम, विजिबली रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्कार्स. तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये SPF का काम भी करता है. जी हाँ, बेसिकली ये सनस्क्रीन है और इसको क्योंकि आजकल समर्स हैं और हमको सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, सो वाई नॉट एक ऐसा सनस्क्रीन लगाया जाए जो कि आपके दाग अगर हैं तो उसको भी साथ साथ हटा दे या फिर कम कर दे और आपको सन से भी प्रोटेक्ट करे. तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा क्योंकि ये दो चीज़ों का काम कर रहा है. तो मैंने फटाफट से इसको ख़रीदा और लगाना स्टार्ट किया एंड रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके. लाइक अभी तो मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए क्योंकि मैंने अभी 1 वीक हुआ है मुझे लगाते हुए एंड बट मुझे स्कार्स में अपने थोड़ा सा कम होना, डिमिनिश होना दिख रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं. एंड बेसिकली आपको एक सनस्क्रीन तो चाहिए ही पूरी गर्मियों में. सो आई थिंक अगर आप सनस्क्रीन वैसे सर्दियों में भी लगाते हैं बट गर्मियों में अगर आप, मुझे लगता है इसको 6 मंथ्स भी फॉलो करेंगे तो बाय द एंड ऑफ गर्मियाँ, जब तक विंटर्स आएंगे, आई थिंक कि ये आपके स्किन को सुपर स्मूथ कर देगा विदाउट एनी स्कार्स एंड विदाउट एनी मार्क्स. तो आइए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं. तो मैंने ये वाली ट्यूब ली है बिकॉज मुझे पहले ट्राई करना था इसका ये वाला पैक. आई एम श्योर इसका बड़ा पैक भी आता होगा, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना. तो मैंने ये वाला ट्राई किया है सबसे पहले. तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप पहले छोटा पैक ही ट्राई करें बिकॉज पता नहीं वो असर करेगा कि नहीं करेगा या फिर कितने टाइम में करेगा या फिर कोई आपको एलर्जी तो नहीं हो जाएगी उससे. तो मेडर्मा SPF 30, जैसे कि मैंने बताया, ये SPF 30 के साथ आता है. इस तरह की येलो ऑरेंज कलर की ट्यूब है और ये आपका चलेगा 2023 तक. 2020 ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग है. ये वाला इतना सा ट्यूब जो है 875, रियली मैंने 875 का लिया है. ये वाला ट्यूब जो है 875 का है, ऐसा उस पर लिखा है. एंड आई एम श्योर ये इतने का ही होगा, थोड़ा बहुत ही कम होगा. अगर होगा तो मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना. अच्छा, इसमें लिखा है, डायरेक्शंस बहुत छोटे लिखे हैं. अप्लाई लिबरली 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको सन में जाना है तो एटलीस्ट उसके 15 से 20 मिनट पहले कोई भी सनस्क्रीन आप लगाएं. इसमें भी ऐसे ही लिखा है कि आपको 15 मिनट पहले इसको लगाना है और फिर सन में जाना है. रीअप्लाई एवरी 3 to 4 आवर्स फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन. तो आपको हर 3 to 4 आवर्स में रीअप्लाई करना है, मर्जी आपकी. मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो एक बार सुबह लगा लिया उसके बाद कौन रीअप्लाई करता है. चिल्ड्रन अंडर 6 मंथ्स आस्क अ डॉक्टर, मतलब बच्चे अगर 6 महीने से छोटे हैं तो आपको डॉक्टर से पूछना है. यूज अ वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन इफ, बहुत ही छोटा लिखा है, इफ स्विमिंग और स्वेटिंग. ओके, अच्छा, ये वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन नहीं है, इसीलिए ऐसे उन्होंने लिखा है कि वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ करना अगर आप स्विमिंग में जा रहे हो या फिर कोई पानी की जगह पे ऐसे कहीं जा रहे हो. तो कीप आउट ऑफ द आईज, आईज में इसको नहीं लगाना है. रिंस विद वाटर टू रिमूव, अगर चला जाए तो उसको पानी से आपको धो लेना है. और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, यही इसकी पैकेजिंग में कुछ चीज़ें दी गई हैं. ये वाला है 20 ग्राम्स का ट्यूब, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ही काफ़ी लग जाता है फेस पे पूरा. एंड मैं, मेरे को हो गए हैं 1 वीक और ठीक है, मुझे लग रहा है इफेक्टिव, बट अभी इतना भी नहीं कि एकदम से आपको इफेक्ट करेगा, बट हाँ धीरे धीरे करेगा. तो ये मैंने इतना सा निकाला है, ये वाइट ऑफ वाइट ऑफ वाइटिश है थोड़ा, ठीक है. जब आप इसको लगाते हैं ना तो ये बहुत ही क्रीमी सा लगता है. तो मतलब पहली बात तो ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, जैसे कि सनस्क्रीन्स में होता है कि वो वाइट कास्ट छोड़ देता है, आपको वाइट वाइट लगता है अपना मुंह, ऐसा नहीं है. ये काफ़ी, देखिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रीजी सा है, तो मतलब आपको एक ग्लो लगता है फेस पे. तो ये उस तरीके का सनस्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी है और या मतलब कोई वाइट कास्ट नहीं है. आपको उसके बाद, सनस्क्रीन के बाद, आपको अपना जो भी आप यूजुअल क्रीम लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये है, आप इसको यूज़ करिए, मैं भी यूज़ कर रही हूँ. मेरे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हो गए हैं बिकॉज आई हैव बिन गोइंग थ्रू मेजर अडल्ट एक्ने, ठीक है, और उसकी वजह से अगर मैं कोई और मेडर्मा क्रीम या जेल यूज़ करती हूँ तो मेरे पिंपल्स बढ़ जाते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर द स्कार्स एंड नॉट फॉर द पिंपल्स, ठीक है. तो मैं
सनस्क्रीन तो मुझे लगाना ही था, तो इसलिए मैंने ये वाला सनस्क्रीन लिया है एंड ये धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है. मतलब मुझे कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं हफ्ते 10 दिन में, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है. और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे लिंक डाउन करिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर. तो आप भी यूज़ करिए और बताइए, अगर जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी प्लीज़ बताइए कि उनको कुछ इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे खाली 10 दिन ही हुए हैं इसको यूज़ करते हुए. सो या ये था मेरा छोटा सा वीडियो एक मेडर्मा सनस्क्रीन के बारे में. और अगर आपको पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो लाइक दे दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सुपर सून. तब तक अपना ध्यान रखिएगा.